15 नवंबर से 15 दिसंबर 2019 तक नशे की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और कल इसी कड़ी में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उसमें भी जिले के लगभग 90 स्कूलों को बुलाया गया है और उनमें से हमारे पास 20-25 स्कूल अभी पहुंच गए हैं और उसके बाद अगली कड़ी में 25 को हमने नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना है। उसके बाद 27 नवंबर 2019 को ही इसी कड़ी के तहत हमने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है और आज इसी कड़ी के तहत चार जगहों में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है, जिसका पहला स्थान न्यू बस स्टैंड रखा गया है, दूसरा पीजी कॉलेज चंबा है, तीसरा आईटीआई चंबा है और चौथा चौगा नंबर 4। सर, इन प्रोग्रामों को करने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? इन प्रोग्रामों का उद्देश्य वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नशा निवारण के लिए और नशे से दूर रखने के लिए, ये लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि नशे से जितना, मादक पदार्थों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि वर्तमान समय में आप अपने आसपास में परिवेश में देखते होंगे कि नशे के कारण कई घरों में माता पिता, जब कोई पिता नशा करके आता है तो पूरी रात जो है माँ या बच्चे, नशों से दूर रखने के लिए यह भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से भी पहल की गई है और हिमाचल सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रतिदिन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सही है, बाकी तो क्या बताऊँ।